हाय, आई एम आकांक्षा अवस्थी और आप लोग देख रहे हैं भोजपुरी बातें। भोजपुरी बातें के दर्शकों के लिए मेरा ढेर सारा सा प्यार उनके लिए। सबसे पहले तमाम भोजपुरिया दर्शक लोगों के हमारे प्रणाम। बटे धनंजय मिश्रा संगीतकार हम, और आज कुंभ एगो फिल्म आ रहा बा आपके सामने, जो बन के एकदम तैयार बटे, ओकर सब कुछ पोस्ट प्रोडक्शन वगैरह सब कुछ रेडी बटे। आज ओकर फर्स्ट लुक लॉन्च होता, पहला लुक ओकर का बटे, वो फिल्म कैसन बनल बटे, ओकर पहला पोस्टर आज लॉन्च होता। और साथ साथ आज हमारे दू गो फिल्म का मुहूर्त हो रहा बा। एगो फिल्म का नाम है रण याचना नहीं अब रण होगा, जीवन जय या मरण होगा। और एक फिल्म है माही। तो ये दो फिल्म का मुहूर्त बटे और एक फिल्म का जौन फिल्म बन के तैयार बटे, बस शीघ्र प्रदर्शित खातिर बस इंतजार होता थे कि कब रिलीज हुई। आप लोगों के सामने आई, वो लोग देखब हो के सराहब, हमारा विश्वास बटे कि वो लोग उनके पसंद आए। जैसा इसका टाइटल है उससे प्रयागराज और कुंभ से बहुत रिलेटेड नहीं है, लेकिन इस टाइटल का जो सार है, इसका जो मूल तत्व है, वो इस फिल्म में थोड़ा सा आपको ऑफबीट फिल्म भी आपको नजर आएगी। मेरे ख्याल से थोड़ा सा आपको डरावना चीज भी नजर आएगा पहली बार भोजपुरी में। रोमांस तो खैर एक्सट्रीम है, एक हमारे हीरो को किसी आत्मा से प्यार हो जाता है और वो आत्मा ऐसी कि मिल नहीं सकती, और वो तड़प और वो चाहत और वो प्यार रोमांस कैसे डायरेक्टर ने इसको फिल्माया है वो आप जब देखेंगे आपको समझ में आएगा। और मुझे तो बहुत ही प्रसन्नता हुई उस फिल्म को देखने के बाद। पहली बार जब मैं उस फिल्म को ट्रायल के लिए हम लोग देखे, मेरे मुंह से बाहर निकला आप, और मैं जल्दी अपनी फिल्म की तारीफ नहीं करता, लेकिन एक म्यूजिक का प्रकार तो खैर कुछ नहीं है, क्योंकि साउंडिंग जो आज बज रहा है, जो बिक रहा है, वो साउंडिंग है। फोक से रिलेटेड गाने हैं और बहुत हमने कोशिश किया है कि मातृ संगीत को, जो ट्रेडिशनल लोक संगीत होता है, उसको हम टच में रखें और उसकी आत्मा को जीने दें, हमने कोशिश की। संजय जी, आप क्या कहेंगे कि सबसे पहले तो मैं अभी अपने सभी भोजपुरी दर्शकों को प्रणाम करता हूं। मैं आप सबका संजय महानंद, आप सबका गोधना। आप सब ने मुझे बहुत प्यार दिया है, एक नाम दिया है गोधना, और मैं कोशिश करता हूं कि हमेशा उस गोधना को आपकी चाहत के हिसाब से पेश करूं। तो इस फिल्म, जो कुंभ फिल्म है, कुंभ फिल्म में भी आपको गोधना आपके ही रंग रूप में दिखेगा। बहुत ही शानदार फिल्म, मैं बहुत ही शानदार कैरेक्टर है मेरा, और हमारे भाई मनोज जी जो डायरेक्टर हैं उन्होंने, और हमारे जो निर्माता रितेश जी, उन सब ने, आनंद जी जो फिल्म के हीरो हैं, सबका धन्यवाद और सबको शुभकामनाएं हैं। आनंद जी और मेरी केमिस्ट्री इस फिल्म में बहुत ही शानदार दिखने वाली है, बहुत मजा आने वाला है लोगों को। तो मैं कुंभ फिल्म के सभी को मैं शुभकामनाएं देता हूं, और अभी हमारी दो फिल्मों का मुहूर्त भी है, तो सबको शुभकामनाएं, बधाई देना चाहता हूं। अभी तो हम कुंभ फिल्म के मुहूर्त में पोस्टर लॉन्चिंग में आए हैं, तो मुझे लगता है कि इस विषय में बात करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। और भी फिल्में हैं, धीरे धीरे जब जब वो ओकेशन आएगा तो हम उस पर चर्चा करेंगे। मेरी फिल्म फिलहाल तो बता दूं कि अभी एक विवाह फिल्म आने वाली है, जो कि दीपावली छठ में आएगी। बहुत ही शानदार फिल्म, बहुत ही पारिवारिक, और एकदम एक हमारी जो रीजनल, हमारी रीजन जो चीज़ें हैं, हमारी जो कल्चर है, उससे रिलेटेड है। उसमें भी बहुत अच्छा कैरेक्टर मेरा, बहुत मज़ा आने वाला है। जी जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे? दोनों फिल्में अलग अलग हैं, लेकिन नाम से ऐसा लग रहा है कि कोई नायक और माही कोई नायिका है।
हाँ, दोनों ही अलग सब्जेक्ट और अलग विषय की फिल्में होंगी ऐसी आशा है, और उसके लिए हम सभी जो हमारे चंद्रपंत जी निर्देशक हैं दोनों फिल्मों के, उनको हमारी बधाई शुभकामनाएं हैं। जो रितेश जी हैं प्रोड्यूसर हैं और भी हमारे सह निर्देशक हैं सह निर्माता हैं, उन सबको बधाई देना चाहते हैं, शुभकामनाएं देना चाहते हैं। अभी कहानी में चर्चा होगी तो कहानी के बारे में, उसके बारे में ज़्यादा बातचीत हुई नहीं तो ज़्यादा बताना लाजमी नहीं समझता। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ भोजपुरी दर्शकों का, भोजपुरी सिनेमा इंडस्ट्री को, कि मुझे इस बार 2019 का बेस्ट कॉमेडियन का अवार्ड दिया गया, जो कि भोजपुरी सिनेमा स्क्रीन एंड स्टेज अवार्ड में जो कलकत्ता में हुआ था वहाँ मुझे दिया गया। बहुत खुश हूँ मैं। अच्छा लगता है जब आपको अपने काम का प्रतिसाद मिलता है, पुरस्कार मिलता है, तो निसंदेह बहुत बड़ी खुशी होती है और एक नई ऊर्जा के साथ कलाकार काम करता है जब उसके काम को सम्मान दिया जाता है। थैंक यू। जवाबदारी तो खुद की खुद से बढ़ती जाती है और वो रोज बढ़ती है, और लेकिन हाँ एक बात है कि खुशी का एहसास होता है जब आपको आपके मेहनत का पुरस्कार के रूप में अगर कुछ आपको सम्मान मिलता है तो खुशी थोड़ी और बढ़ जाती है, और ऊर्जा जो है, ऊर्जा का संचार एक नए तरीके से होता है और कुछ करने की ललक जगती है और कुछ नया बनाने की एक एनर्जी आती है। और धनंजय भी है, हमको एक ही मंच में दिया गया, इस बात की भी खुशी है। एक दबंग सरकार फिल्म है हमारी, उसमें एक गाना है तो पब्लिक ने बहुत पसंद किया, पागल बन गए तारे पत्थर की पागल। इस गाने के लिए मुझे ये गाना, चूँकि इसका साउंडिंग, इसका कंपोजिशन और टोटली इसका जो पैकेज था बहुत अच्छा, मुझे वो इस फिल्म में गाना बहुत पसंद है। आज कुंभ की बात करें तो ज़्यादा अच्छा है, इससे बड़ी खुशी और नहीं, अवार्ड है इसकी खुशी है, बहुत अच्छी बात है, और वो प्रसन्नता अपने दिल में भी है। मैं अपने दर्शकों से शेयर भी कर चुका हूँ और हमेशा करता रहता हूँ कि आप लोग ऐसे ही मुझे प्रोत्साहित करते रहें और लोग मुझे पुरस्कार भी देते रहें, हमारे गानों को सुनते रहें आप लोग, तो वो गाना फिर कभी अगर मौका मिला तो जरूर। थोड़ा सा गा देते, पागल बने बेकार पत्थर की पागल बने बेकार। बहुत अच्छा गाया। मैं कोशिश कर रहा था भैया को पिंच करके कि शायद गा ले, लेकिन आज कुंभ की बात करें, रण की बात करें, तो ज़्यादा अच्छा है। थैंक यू। तो सबसे पहले कि बहुत दुख की बात ये है कि प्राकृतिक आपदा है और उसमें हमारे बिहार के बहुत सारे ऐसे लोग जो बेघर हो गए, जिनका सब कुछ दह गया, बह गया, और उनको कहीं आसरा नहीं है, न खाने को अन्न है, न पीने को पानी है, और उनके इस तकलीफ में हमारे इंडस्ट्री के भी लोग, बहुत से लोग ऐसे हैं जो बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं, और मैं प्रार्थना करूंगा हमारी अपनी इंडस्ट्री के सारे लोगों से कि कृपया आप जो दर्शक आपको इतना बड़ा बनाता है, उन दर्शकों को अगर कभी भी प्राकृतिक आपदा में अगर परेशानी हो रही है तो आप कृपया बढ़ चढ़ के हिस्सा लीजिए, क्योंकि लोग हैं तो हम हैं, लोग नहीं हैं तो हम कभी किसी भी मुकाबले नहीं पहुँच पाएगा। और माता रानी से नवरात्रि का सीजन है, नवरात्रि का दिन है, माता रानी से मैं प्रार्थना करता हूँ, रोज़ प्रार्थना करता हूँ कि किसी भी तरीके से जो जहाँ है उसको सलामत रखे, उसको जिंदा रखे, उसको अन्न दे और उसको उसका स्वास्थ्य सही रहे, क्योंकि प्राकृतिक आपदा है, इसमें इंसान कुछ नहीं कर सकता, सब परमात्मा ने किया है, लेकिन माता रानी जल्दी से जल्दी इस आपदा को दूर करें, और हमारे इंडस्ट्री के लोग भी अगर थोड़ा सा जितने लोग कर रहे हैं उनको प्रोत्साहन मेरे तरफ से है, जो नहीं सोच रहे हैं वो लोग भी अगर सोचे तो थोड़ा अच्छा। सोच रहे हैं अभी भी बहुत सारे ग्रुप में और चर्चाएं हो रही है, रोज चर्चा हो रही है, सारे लोग बहुत गंभीर है क्योंकि बहुत एक चिंता की घड़ी तो है, और बिहार के लिए बहुत, हम लोग सब वहीं से जाने जाते हैं, हमारे दर्शक हमारे भगवान होते हैं और आज वही संकट में है, तो हमारी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम लोग अपने तरीके से जितना हो सके करें। तो हमारी संवेदनाएं हैं हमारे सभी बिहार के भाइयों बहनों के लिए, और हम कोशिश कर रहे हैं कि हमारे तरफ से जो भी हो सके, हम जो भी सहयोग कर सकते हैं करेंगे। और मैं
कुछ हमारे प्रगतिशील बुद्धिजीवियों से भी मैं अनुनय विनय करूंगा कि जब केरल में बाढ़ आती है तो सबके अकाउंट नंबर खुल जाते हैं, जब जम्मू कश्मीर में बाढ़ आती है सबके अकाउंट नंबर खुल जाते हैं, कृपया बिहार में बाढ़ है अब आप लोग भी अपना अकाउंट नंबर दें और खोलें सहायता करें। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.